हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 5 का पार्ट 1, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट सी में क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आउटपुट स्टेटमेंट सी में किसे कहते हैं। एक फंक्शन है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये फंक्शन सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdio.h में पहले से डिफाइंड है। ये रेडीमेड कोड है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। प्रिंट एफ का इस्तेमाल हम अपने आउटपुट स्क्रीन पर टेक्स्ट को हूबहू प्रिंट कराने के लिए करते हैं। मतलब कि अगर हम अपने आउटपुट को अपने रन स्क्रीन पे या आउटपुट स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो हमें प्रिंट एफ का इस्तेमाल करना होगा। आइए प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हम कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मेन फंक्शन जो कि हमारे कंपाइलर को बताएगा कि आपको एक्सक्यूशन इसी पॉइंट से स्टार्ट करनी है। अब हम प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। ये स्टेटमेंट डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो स्टेटमेंट हमारे आउटपुट स्क्रीन पर हूबहू प्रिंट होगा। जैसे हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग टॉकीज बाय साहिल राज। और अगर हम स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं तो हमारे सामने एक एरर आएगी। आइए उस एरर को पहले देखते हैं। ये एरर है फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर हमें बताना चाह रहा है कि हमने जो फंक्शन प्रिंट एफ का इस्तेमाल किया है वो हमने उस फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसके लिए हमें फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करना होगा। हमें stdio.h नाम के फाइल को इंक्लूड करना होगा ताकि हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट चल सके। अब हम रन करके देखते हैं। हमारा कोड रन हो गया है जीरो एरर के साथ, लेकिन हमें आउटपुट स्क्रीन नहीं दिखा। इसका कारण ये है कि हमने getch नाम का फंक्शन यूज़ नहीं किया है। getch ही वो फंक्शन है जो हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। अगर हम getch को लगा भी देते हैं फिर भी हमारे सामने एक एरर आएगी। ये एरर है getch should have a prototype। मतलब कि हमने जो getch नाम का फंक्शन इस्तेमाल किया है हमने उसके लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो आइए उसके हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। conio.h जो इसका हेडर फाइल है। अब हम अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारे सामने दो बार प्रोग्रामिंग टॉकीज बाय साहिल राज प्रिंट होगा। इसका कारण ये है कि हमारा कोड दो बार सक्सेसफुली चला है लेकिन हमें एक बार डिस्प्ले हुआ है और एक बार नहीं। इसका कारण था कि हमने पिछले बार जब रन किया था तो getch फंक्शन नहीं डाला था, तो getch जो जब नहीं था तो हमारे आउटपुट स्क्रीन को उसने होल्ड नहीं किया था, तो हमें वो आउटपुट नहीं दिखा था। लेकिन अब हम उस आउटपुट को देख पा रहे हैं और प्रोग्रामिंग टॉकीज बाय साहिल राज दो बार प्रिंट हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड चले वो करेंट सेक्शन को प्रिंट करे तो उसके लिए हमें एक फंक्शन चलाना होगा clrscr। ये प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर कर देगा। देखिए एक बार प्रिंट हो गया प्रिंट प्रोग्रामिंग टॉकीज बाय साहिल राज। तो आपने देखा कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमारे आउटपुट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस से आप कुछ सीख पा रहे हैं तो मेरे चैनल प्रोग्रामिंग टॉकीज को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को
लाइक करें ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। धन्यवाद।